हेलो अस्सलाम वालेकुम, हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद था, कुछ काफ़ी दिनों से मैं देख रहा था कि जब भी कोई रैली होती है, चाहे वो इस्लामिक हो या फिर कुछ पॉलिटिशियंस होते हैं, वो माशाल्लाह, ये जो रोड आपको नज़र आ रही है ना, ये जीटी रोड है सराय आलमगीर से, और ऐसे ही रोड पाकिस्तान में ढेर सारी है। लेकिन जब भी कोई रैली आती है तो ये रोड्स ही क्यों यूज़ की जाती है, मुझे इस बात की समझ नहीं आती। क्या ये रोड रैलियों के लिए, जलसों के लिए, या ये आम ट्रैफिक के लिए? कभी कभी आप देखो तो यहाँ पे एम्बुलेंसेस होती हैं जो यहाँ पे फंसी होती है, वो बेचारे घंटों यहाँ पे फंस जाते हैं। कुछ दिन पहले यहाँ से गुजर रहा था और एक रैली जा रही थी, उसमें हार्डली 30-40 लोग होंगे, उनके साथ मोर देन 20 जो है वो पुलिस वाले थे, और उनके पीछे, काश मैं उस वक्त दिखा सकता, उनके पीछे 3 एम्बुलेंसेस फंसी हुई थी। आखिर क्यों? अगर उस रैली का कोई मकसद भी नहीं था और वो जो 3 लोग थे, अगर वो अपनी जान की बाजी हार जाते तो वो नुकसान कौन भरता? सोचना चाहिए हम सबको इस बारे में। और ये जो दोस्त अहबाब जो वीडियोस अपलोड करते हैं, मैं चाहूँगा कि वो लोग कम से कम कुछ ऐसी वीडियोस अपलोड किया करो कि जिससे लोगों को कुछ पता चले, कुछ अवेयरनेस हो किसी चीज़ के बारे में, ना कि अपनी बोंगियाँ बकवास बातें हों उसमें। थैंक यू।